हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुतालिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका की हिस्ट्री के एक और मशहूर केस की, जिसका नाम है विलियम गोएबल असैसिनेशन केस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल बटन भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, विलियम जस्टिस गोएबल केंटकी के 34वें गवर्नर थे, और ये ऐसे पहले गवर्नर थे जिनकी हत्या उनके ऑफिस में की गई। गोएबल के माता पिता जर्मनी से माइग्रेट करके यहाँ आए थे। विलियम ने अपनी शुरू की एजुकेशन हॉलिंग्सवर्थ बिजनेस कॉलेज से हासिल की, और केंटकी के फॉर्मर गवर्नर जॉन डब्ल्यू स्टीवनसन की एक लॉ फर्म में काम करना शुरू कर दिया। दूसरे पॉलिटिशियन से ज़्यादा ज़हीन विलियम ने भी पॉलिटिक्स में कदम रखा और केंटकी सेनेट के लिए इलेक्ट हो गए। इनके बहुत सारे साथी और सपोर्टर्स भी बने, लेकिन आप तो जानते हैं, जहां दोस्तों के साथ साथ दुश्मन भी बने, वहां खतरे की घंटी मौजूद रहती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सियासत में आने के बाद इनके बहुत से साथी बने, इसी के साथ साथ उनके बहुत से दुश्मन भी बन गए। 1887 में जेम्स विलियम ब्रायन ने अपनी केंटकी सेनेट की सीट खाली की और वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे पर चले गए। गोएबल ने डिसाइड किया कि वो इस खाली सीट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। मुकाबला सख्त था, मगर गोएबल ने भरपूर कैंपेन की और सिर्फ 56 के छोटे से मार्जिन से वो इलेक्शन जीत गया। जी हाँ, सिर्फ 56 वोट्स के मार्जिन से, और वो सेनेटर इलेक्ट हो गया। इलेक्शन जीतने के बाद इसने बहुत से अच्छे काम किए। कैंपेन के दौरान किए गए तमाम वादे पूरे किए, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी में तो बेपनाह इजाफा हुआ ही, और लोग इससे मजीद प्यार करने लगे। गोएबल इतना पॉपुलर हो चुका था कि 1889 के इलेक्शन में गोएबल के मुकाबले के लिए कोई सामने ही नहीं आया, और गोएबल बिला मुकाबला ही इलेक्शन जीत गया, और वो भी फुल टर्म के लिए। 1899 के इलेक्शन में रिपब्लिकन कैंडिडेट विलियम एस टेलर ने डेमोक्रेट्स के दोनों कैंडिडेट्स को शिकस्त दे दी, और गोएबल को 2383 वोट से शिकस्त हुई। डेमोक्रेट्स ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ काउंटीज में धांधली हुई है, और इसके बाद इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गए और सिविल वार जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। इसके बाद गोएबल को धमकियां मिलना शुरू हो गईं कि उसको मार दिया जाएगा, लेकिन उसने कभी भी इन धमकियों को सीरियस नहीं लिया। इसी दौरान दोनों ग्रुप सिलेक्शन जीतने का दावा करते रहे, लेकिन बिलाहिर फैसला गोएबल के हक में आया और गोएबल को गवर्नर बना दिया गया। लेकिन गवर्नर की सीट गोएबल के लिए अच्छी साबित ना हुई। 30 जनवरी 1900 की सुबह एक करीबी स्टेट बिल्डिंग से 5 या 6 फायर किए गए, जिनमें से एक गोएबल का सीना चीर गया और उसको बुरी तरह जख्मी कर गया। गोएबल को हॉस्पिटल ले जाया गया, और हर किसी की कोशिश थी कि किसी ना किसी तरह गोएबल को बचा लिया जाए। गोएबल के इलाज के लिए 18 डॉक्टर्स हर वक्त मौजूद थे, लेकिन कहा जाता है ना कि मौत से कोई नहीं भाग सकता। 3 फरवरी 1900 की दोपहर गोएबल की सांसें थम गईं और वो मौत की नींद सो गया। उसके पास मौजूद कुछ जर्नलिस्ट ने उसके आखिरी अल्फाज सुने, और वो ये कह रहा था कि मेरे दोस्तों को कहना बहादुर और बेहोश रहें और लोगों के साथ वफादार रहें। इन्वेस्टिगेशंस होती रहीं, गोएबल की हत्या किसने की और क्यों की। बहुत से लोग अरेस्ट भी हुए, मगर किसी खास नतीजे पर ना पहुंचा जा सका। जिन लोगों को अरेस्ट किया गया वो जेल में गए और जेल में ही मौत हो गई। लेकिन ये दास्तान ख़त्म हुई लेकिन किसी फाइनल नतीजे पर पहुंचे बगैर। दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोएबल की हत्या किसी पॉलिटिकल अपोनेंट ने की या ये महज इत्तफाक था?
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।